वेलकम टू इंग्लिश हॉल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश हॉल पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी में हिंदी से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे जरूरी काम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको तैयारी से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो आपको समय पे मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी में हिंदी में कैसे किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो सवाल हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं और कितनी देर का पेपर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पेपर होता है उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं और उनकी मार्किंग 25 है। जनरल नॉलेज यानी कि जीके, उसके भी 25 क्वेश्चन हैं और 25 नंबर के हैं। उसके बाद मैथ्स है, सेम है वैसा ही, 25 क्वेश्चन और 25 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर का और 25 क्वेश्चंस के साथ। और इसकी जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो 90 मिनट की है। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि 4 सेक्शंस में ये बढ़ जाता है। और एक सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है। तो आप उत्तर तभी दें जब आप उस पर एकदम श्योर हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम एसएससी जीडी में हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, संधि, संधि विच्छेद, जिसमें शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, या शब्द दे करके ये पूछा जाएगा कि आप इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, सेम उसी तरीके से है। उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है, प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। आगे है मुहावरे और लोकोक्तियां। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 2019 और उससे पहले के प्रश्नों को अगर देखा जाए तो मुहावरे और लोकोक्तियों में से सवाल ज्यादा पूछे गए हैं। तो मसलन मान लीजिए, अगर बाकी विषयों में से आपसे 1, 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं तो मुहावरे या लोकोक्ति में से 4 से 5 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, समास और समास विग्रह क्या होता है, विलोम शब्द क्या होते हैं, शब्द युग्म क्या होता है। और बोर्ड पे जैसे कि नजर आ रहा है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि हमारे चैनल के थ्रू आपको फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स दिए जाएंगे, तो आप इसको अपने ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है विषय। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना रहेगा, संज्ञा शब्दों से आपको विशेषण बनाना रहेगा, अनेकार्थक शब्द मतलब आप उसको उसके लिए शब्द लिखेंगे, वाक्य शुद्धि यानी कि जो सेंटेंस में मिस्टेक्स होती हैं उनको कैसे किया जाता है सही, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल। और शब्द शुद्धि, जैसे आप वाक्य शुद्धि पढ़ते हैं वैसे आपने शब्द शुद्धि भी पढ़नी है, और शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द करने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण मतलब इसे कन्वर्ट करना होगा, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, ये सारे ही वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हिंदी के अंतर्गत जिनसे एसएससी जीडी में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप भविष्य में जिस भी पेपर या एसएससी जीडी की तैयारी अगर करने जा रहे हैं या करने वाले हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके उसकी तैयारी बहुत ही सलीके और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे समय से जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी बहुत सी जानकारियां आज के वीडियो के अंतर्गत सुलझ गई होंगी। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।